आज बारिश का सीक्वेंस शूट होगा हमारे शो में, तीसरी बार है। पहली बार हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, ये मेरी बहन के हस्बैंड थे होने वाले हस्बैंड थे। दूसरी में ये मेरे हस्बैंड नहीं बनना चाहते थे इनको डिवोर्स लेना था, तो हम बारिश में साइन कर रहे थे। और तीसरी में एक दूसरे को चाहिए, तीसरी में सभी चाहती हैं कि नित्यम उनकी ज़िंदगी में आए वो खुश रहे, नित्यम चाहती हैं सभी उनकी ज़िंदगी में आए खुश रहें, लेकिन दोनों कश्मोकश में हैं और दोनों अपने दिल की जो बातें हैं वो बयां नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से कह नहीं पा रहे हैं। खुश की बात तो पता नहीं, लेकिन कन्फ्यूज्ड बहुत है, उसे लग रहा है कि ये जो रातों रात बदल गए कोई और चक्कर होगा, कुछ तो और बात है, मैं तो नहीं हो सकती। मतलब सावी खुद के लिए सोच ही नहीं सकती, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब घर से निकली थी तो आई हेट यू बोला था। जेलेसी है ना, मतलब हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद कोई और लड़की होगी, शायद कोई और लड़की होगी, क्योंकि सावी के लिए कैसे हो सकता है। मतलब इतनी बार तो मुंह पर दरवाज़ा बंद किया है, इतनी बार घर से निकाल दिया है, डिवोर्स भी करने से मना नहीं किया है, डिवोर्स की डेट भी उन्होंने और पास कर ली, और इतनी सारी चीज़ें घर में भी अब साथ नहीं रहते, और आई हेट यू बोल दिया था लास्ट टाइम जब घर से मैं जा रही थी। तो मैं अपने बारे में तो सोच ही नहीं सकती, तो मुझे यही लग रहा है कि कोई और होगी और ये पगला गए हैं, बदल गए हैं, पता नहीं क्या है। मुझे लगता है इतना बदलाव काफ़ी होगा, और इससे ज़्यादा अगर बदल गए तो फिर नित्यम नित्यम तो रहेंगे नहीं, सावी बन चुके होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, काम पे भी ध्यान नहीं है, बिज़नेस की जो जिम्मेदारियाँ रक्षम भैया को देती हैं, और पूरे अपना जो उनका एक ऑरा था, जो उनका स्वैग था, जो जिस तरह जो उनका अंदाज था वो चेंज हो गया है, वो प्यार की मतलब ख्वाबे की दुनिया में, आई थिंक ख्वाबों की दुनिया में वो चले गए हैं, और शायद हकीकत में जब वो आए तो पता नहीं क्या होगा। खुली आंखों से सपने देख रहे हैं, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, और बटरफ्लाई आई थिंक पेट में, तो मैं कह सकता हूँ कि ये नित्यम के लिए अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग पीओवी है नित्यम का, जो हमारे ऑडियंस देखना चाहती थी, हमारे फैंस देखना चाहते थे, और हमने इतने कमाल का शूट किया है, इतने कमाल की हमने इसमें एनर्जी डाली है, बहुत मेहनत से हमने ये एपिसोड्स बनाए हैं ये दिखाने के लिए कि नित्यम को जो प्यार हुआ है वो कैसे सावी से कह पाएगा। तो ये बारिश है, और मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों को बारिश बहुत पसंद है, क्योंकि आज तक हमारे पास वो टैग्स आते हैं बारिश के, तो तीन बारिश, पहली बारिश जहाँ एक दूसरे को जानते नहीं थे, वो पसंद भी नहीं करते थे, दूसरी बारिश जो डिवोर्स चाहिए था नित्यम को, और तीसरी बारिश जहाँ वो एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन कह नहीं पाते, बता नहीं पाते। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है, बहुत ही रोमांटिक सीन है जो सावी और नित्यम एक दूसरे के साथ शूट करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं दोनों के दिलों में जो बातें हैं वो कहना चाहते हैं, लेकिन अब देखना बाकी ये है कि कह पाते हैं या नहीं। आई थिंक आपको ये नित्यम का जो चेंज ओवर है वो देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा, जितने हमें टैग्स आ रहे हैं, जितना हमें प्यार मिल रहा है वो हग वाले वीडियो पर भी, तो आई थिंक जो आप चाहते थे रोमांस प्यार वो सब आ रहा है। बारिश है और इस बारिश में थोड़ा सा प्यार भी है, तो वो भी देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओल्ड कपल भी एक है जिनको देखकर हमें कुछ इंस्पिरेशन मिलती है, तो आई थिंक ओवर एंड आउट ये सीन बहुत अच्छा जाएगा। एंड अभी हम शूट करने वाले हैं, सब डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आपको पहली बारिश की याद आएगी, जो हमारी पहली बारिश थी जब हम फंस गए थे, और ये इनकी शादी मेरी बहन से होने वाली थी, हम अजनबी थे, तो एक रीविज़िट होगा, लेकिन अब हम दोनों बदल चुके हैं और बहुत आगे बढ़ चुके हैं।